नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल B3 इवेंट पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसपे आप सीखेंगे कि हाउ टू मेक नाइग्रा फॉल। ये बहुत सारे दोस्तों का मेरे सवाल था, इवेंट प्लानर दोस्तों का, कि मुझे नाइग्रा फॉल चाहिए, नाइग्रा फॉल चाहिए, नाइग्रा फॉल चाहिए। तो चलो, नाइग्रा फॉल तो हम अवेलेबल करवाते ही हैं बना हुआ, लेकिन आज आपको एक बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप नाइग्रा फॉल घर पर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और नाइग्रा फॉल बनाना आपको सिखाते हैं। ये हो गए आपके कोल्ड पायरोज, ये आप नाइग्रा फॉल में जितने चाहे लगा सकते हैं, 10, 15, 10, 20, 30, यानी कि ये सिमिलर लगेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे, है ना। तो पहली चीज हो गई कोल्ड पायरो, दूसरा लगना है इस पे वायर, तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जीआई तार। जीआई तार क्यों? क्योंकि जब नाइग्रा फॉल हम ऊपर ऐसे कहीं बांधेंगे तो उसको ये सपोर्ट देता है। इस वायर में हम इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि इससे इसको सपोर्ट देंगे। और ये जो वायर है, अब हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमको इसकी वायरिंग को थोड़ा सा छील लेना है दोनों। ऐसे आप वायरिंग को छील लें थोड़ा, इसको ऐसे ब्रॉड कर लें सभी तारों को, ऐसे सभी तारों को ऐसे करके ब्रॉड कर लें। ये ब्रॉड हो गया। अभी अपन मैं सिर्फ आपको 6 कोल्ड पायरों से नाइग्रा फॉल बना के बता रहा हूं, है ना, क्योंकि हमारे पास ना बहुत बड़ी जगह है। और इतने में भी आप समझ सकते हैं कि आप 6 की जगह 12 कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। तो अभी आप इसको समझो कि ये अपना स्टेज है, ये अपने दूल्हा दुल्हन के लिए जो चेयर लगती है वो है, समझ लो। तो हमको चेयर से थोड़ा सा ऐसे लगाना साइड पे, क्योंकि हमको फ्रंट पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहां दूल्हा दुल्हन रहेंगे तो इसके स्पार्क से पूरी रोशनी उनके फेस पे आएगी, तो आप दिखेगा नहीं वीडियो में। तो हमको ये स्पेस छोड़ना है, फिर उसको एक ये ऐसे हिसाब से ऐसे करके लगाना है, ठीक है। और इसकी वायरिंग करना है, तो वायरिंग मैं आपको बताता हूं कि ये आपने तार लिया एक साइड, ये एक वायर को इसके साथ अटैच कर देंगे आप, हालांकि ये काटना और तोड़ना जरूरी नहीं है। ओ, मेरे दांतों से कट गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसको सिर्फ अपन लाइटर या माचिस से करते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो ये अपन ने ये तार छीला, और तार छील कर उसको इससे ऐसे करके कनेक्ट कर दिया ये। तो इस प्रकार से आपने एक वायर को कर दिया है, और दूसरी वायर को उससे थोड़ा सा दूरी पे करें। अभी हम माचिस यूज कर लेते हैं थोड़ा, इससे तार छीलने में आसानी हो जाएगी। ये अपना दूसरे साइड का वायर छिल गया, थोड़ा सा दूर अपन इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दें, है ना। ये हो गया आपका वायर कनेक्ट। तो ये दोनों वायर हमने ऐसे करके कनेक्ट कर दिए हैं इस पे। इसी तरीके से आपको दूसरा वायर यहां, तीसरा वायर यहां, ऐसे करके आपको कनेक्ट करना है, और उसी तरीके से यहां पर ये सारे वायर आप ऐसे करके कनेक्ट करते जाएं, है ना। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूं उसको कैसे अपन, मैं कनेक्ट कर लूं फिर आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूं।
जब इसकी वायरिंग हो जाए, तो ये वायरिंग ऐसे करने के बाद इसको हम ऐसे करके टेप से वायर चिपका देंगे, तो ये सपोर्ट मिल गया इसको। ऐसे ही हम सभी में टेप लगा लगा के चिपका देते हैं। ये अपना ये अब ये हमारी वायरिंग तैयार हो गई है। अब इसको हम GI तार से कनेक्ट करते हैं ताकि मजबूती कुछ मिल सके, और जहां पर भी इवेंट होगा वहां पर हमको ऊपर खींच कर लगाना होगा, तो हमको थोड़ा मजबूती चाहिए, तो हम वो GI तार की मदद से देंगे। ओके चलो, तो हम बाहर चलते हैं, आगे का काम करते हैं। दोस्तों ये तैयार हो गया अपना नाइग्रा फॉल 6 पीस का। अब हम इस पे GI तार कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो GI तार बांधने के लिए हमको इसी के ऊपर सपोर्ट देना पड़ेगा, ये GI तार, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इस पे बांध रहे हैं, इस पे, इसके टीले पे दोनों साइड, और इसी पे हम वायर लगाएंगे, है ना, ठीक है। ये हमने बांध दिए सोफे के ऊपर। अब ये वायर लिए हमने और ये इसको GI तार से हमने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये GI तार का सपोर्ट मिला है इसको और ये मजबूत हो गया, ठीक है। वायरिंग तो हमने पहले ही कर दी है कनेक्शन के लिए, अब जो हम कर रहे हैं ये मजबूती के लिए कर रहे हैं। ये तार हमारे इस पे ऑलरेडी ज्वाइंट है, हमने GI तार से इसको मजबूती दे दी, ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम 6 के 6 जितने भी हमारे वायरोज हमको लगाने हैं, हम सभी को ऐसे टेप से थोड़ा सा मजबूती दे देंगे। ये चिपक गया, ये मजबूत हो गया, है ना। टेप लगाने का एक और फायदा है, अगर आपको इसकी स्पेस आगे पीछे करना है, ये जी आप ऐसे करके खिसका सकते हो, है ना। स्टेज छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से अपन को बहुत बार कोल्ड पायरोज पास पास पे करने पड़ते हैं, या स्टेज बहुत बड़ा है तो हमको दूर दूर लगाने पड़ते हैं। कस्टमर तो जितने का ऑर्डर देगा 20 पीस का, तो 20 पीस लगाने हैं हमको, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा तो लगा नहीं सकते, है ना। तो स्टेज पूरा हमको कवर करना पड़ता है, तो उस हिसाब से अपन वायर को ऐसे करके आगे पीछे खींच लें। तो इस तरीके से हमारा ये नाइग्रा फॉल तैयार हो गया 6 पीस का। अब आप यहां से इसका वायर खोलें, अब आपको जहां पर भी ऊंचाई पर लगाना हो, कहीं पर भी जितना ऊंचा आपका स्टेज है वहां से इस तार को जोड़ दें, दूसरे सिरे को इस तार से जोड़ दें, और एक कोना आप वायरिंग के लिए रखें। डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको इसको शॉर्ट, क्योंकि इस पे ज्यादा पायरोज लगे होते हैं, तो आप इसको बैटरी से शॉर्ट नहीं कर सकते हो, आपको डायरेक्ट बिजली से करना पड़ेगा। और पहली वायरिंग आपको इसके सिरे से लेनी पड़ेगी, कोने से, पहली कोने की वायरिंग होगी, और आखिरी जो रहेगा वो सिरा ऐसे लंबे तरीके से वायर खुलकर आएगा, और आप इसको कनेक्ट करेंगे, ये पायरोज जल जाएंगे। अब मैं आपको इसके जलने का वीडियो दिखाता हूं, जो मैंने इस तरीके से नाइग्रा फॉल बनाकर वीडियो पर यूज किया था, इवेंट पर यूज किया था, वो मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप देख लें। उस तरीके से ही मैंने पायरोज बनाए थे, वो 20 पीस का है सर। ओके, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, उसके बाद अगर आपको इसकी नीड हो तो मुझे कॉल करें 7415551111 पर। थैंक यू सो मच।